एमएस वर्ड में आज हम इलस्ट्रेशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर एमएस वर्ड में कोई पिक्चर लाना चाहते हो तो कैसे लेके आओगे? पहली चीज, अगर पिक्चर किसी इंटरनेट वगैरह से लेके आनी है तो आप कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, आपको आ जाए कॉपी एंड पेस्ट किसी भी इंटरनेट पेज से। जैसे मान लीजिए इसी को लेके आना है तो राइट क्लिक कॉपी इमेज और फिर वापस आ जाइए अपना वर्ड पे और इसको यहाँ कर दीजिए पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका पिक्चर यहाँ पे आ चुका है, राइट सर? यस सर। अब पिक्चर को रिसाइज करना है तो जैसे लोग यहां से करते हैं चाहे ऊपर से करते हैं, आप रिसाइज हमेशा कीजिए कॉर्नर से। कॉर्नर से रिसाइज कीजिए तो पिक्चर आपका स्ट्रेच नहीं होगा। ठीक है, ओके, पिक्चर आपका स्ट्रेच नहीं है, पहले चीज। उसके बाद पिक्चर को उठा कर कहीं रखना है तो देखिए इसमें रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि पिक्चर को कहीं उठा कर रखने में। ठीक है, तो ठीक है सर, रिमूव नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप जो है यहाँ देखिए शेप्स में जाइए, आपको दिखेगा टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स में कीजिए इसको पेस्ट और फिर इसको जहां मूव करना है आसानी से मूव कर सकते हो। ठीक है सर, समझे? ओके सर, ओके ओके। तो सर ये टेक्स्ट बॉक्स का ये लाइनिंग है, बॉर्डर है, हाँ ये बॉर्डर यहाँ दिखेगा भी तो? यहाँ नहीं दिक्कत नहीं दिखेगा। आप इसको टेक्स्ट बॉक्स को एक मिनट बाहर क्लिक कीजिए और इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ दिख रहा होगा शेप, शेप में दिख रहा आउटलाइन, इसको कर दीजिए नो आउटलाइन। हट गया बॉर्डर? हाँ, हट गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम कोई पिक्चर वगैरह डालते हैं, जैसे यहाँ डाल दिए पिक्चर, तो पिक्चर की एक अपनी फॉर्मेट होती है जो कि ऊपर पिक्चर फॉर्मेट आप देख पा रहे हैं। तो क्या क्या होता है? सबसे पहले रिमूव बैकग्राउंड, तो ये देख बता देगा कि बैकग्राउंड कहाँ से है या फिर मार्क कर सकते हो कौन कौन बैकग्राउंड रखना है या नहीं रखना है। ठीक है ना, हम्म, तो आपका बैकग्राउंड अलग कर देगा। करेक्शन, इसको इस पर लाइटिंग वगैरह का जो करेक्शन होता है, चाहे ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट का जो ऑप्शन होता है, वो यहाँ से आप करेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको आता है कलर, इसको कोई एक कलर जैसे ब्लैक एंड व्हाइट करना है या चाहे कोई और कलर करना है तो यहाँ से कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसको जो होता है एस्टिक इफेक्ट जो होता है निगेटिव टाइप का, उस तरह करना है तो इसको आप आराम से कर सकते हैं, स्केचिंग निगेटिव ब्रश वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी की, पीछे का चीज़ कितना दिखे, जैसे बैकग्राउंड वगैरह में आपको डालना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, कंप्रेस ओके। पिक्चर में आते हैं। कॉम्प्लेक्स पिक्चर में होता है क्या है कि जब काफ़ी ज़्यादा फाइलें काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर भी डाल देते हैं तो पिक्चर्स वगैरह, तो पिक्चर क्या करता है साइज ज़्यादा लेता है। जब साइज ज़्यादा लेता है तो प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में हम यहाँ इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कंप्लेक्स पिक्चर हम कर सकते हैं पहले से। अब इसमें ये हो गया, उसके बाद यहाँ आता है चेंज पिक्चर। आप चाहते हो सेम स्टाइल सेम चीजों में पिक्चर चेंज करना या रीसेट पिक्चर जैसा आप लाए थे कॉपी करके वैसा रखना चाहते हो। उसके अलावा यहाँ पे पिक्चर्स के फ्रेम होते हैं कि आप अपने हिसाब से इसका फ्रेम चूज कर सकते हो, उसके स्टाइल कहते हैं पिक्चर स्टाइल। पिक्चर का बॉर्डर वगैरह सेट कर सकते हैं, बॉर्डर की साइज कितनी होनी चाहिए वो सेट कर सकते हो, कलर क्या होना चाहिए, लाइनिंग में स्मूथ होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए, आप यहाँ से चूज कर सकते हो। सर, ओके। उसके बाद पिक्चर की इफेक्ट, इस पर 3D इफेक्ट वगैरह डालना है तो इस तरह से डाल सकते हो आप। दिख रहा है आपको अलग अलग एंगल से, तो आप इसको आराम से देख लीजिएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। उसके बाद पिक्चर का लेआउट, ये पिक्चर इसी तरह के लेआउट में तो नहीं चाहिए, इसे क्लिक कर देंगे तो इस तरह के लेआउट में आ जाएगा। ये स्मार्ट आर्ट में, इसको मैं बताऊंगा आपको कि स्मार्ट आर्ट में इसका यूज किया जाता है। तो पिक्चर समझ में आ गई? तो पिक्चर आप कॉपी पेस्ट करके ला सकते हैं या क्लिक करके दिस डिवाइस क्लिक करके ब्राउज करके अपना सिस्टम का फाइल से ला सकते हैं पिक्चर।
होता स्टॉक इमेज, ये ऑनलाइन जो स्टॉक होते हैं वो आप ला सकते हैं, या ऑनलाइन निवेश बिंग्स डॉट कॉम से सर्च करके देखना, अलग अलग दिख रहा होगा आपको, आइकॉन्स, कैटलॉग, हाँ स्टिकर्स, स्टेशन, कार्टून, ये सारा चीज आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ओके ओके ये कटआउट वगैरह जिसको सिलेक्ट कर लिया आपने, इंसर्ट करते हो तो ये आपको कटआउट पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन इसके इंटरनेट होना चाहिए क्योंकि देखा डाउनलोडिंग किया है इसमें, ठीक है, हाँ इसे बैकग्राउंड वगैरह नहीं आएगा, देखा है सर बैकग्राउंड हाँ कटआउट आ काली गई। कटआउट पिक्चर हाँ इसलिए, उसके बाद अलावा यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर दे सकते हैं सर्च करके बिंग्स वगैरह पे, गूगल पे सर्च करके लाते हैं ना, ऐसे डायरेक्टली यहाँ सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बिंग डॉट कॉम होना चाहिए, भाई सॉरी इंटरनेट होना चाहिए, यहाँ से डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, और सर्च करके ऐसे अलग अलग कैटेगरी भी आप सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन गूगल से नहीं होगा, ये बिंग से होगा, दिख रहा होगा। यस उसके बाद आता है सैप्स, तो पिक्चर बनी बनाई फॉर्मेट चीज ले लिया, अब इसमें आपका आता है कि आप सैप्स वगैरह यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा सैप्स चाहिए टेक्स्ट बॉक्स के अलावा ऐसा ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ करने के बाद इसकी अपनी एक फॉर्मेटिंग है, देख सकते हो कि आप किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए पिक्चर्स का। उसके अलावा यहाँ पिक्चर की कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर क्या होना चाहिए, पिक्चर इफेक्ट क्या होना चाहिए, आपको पिक्चर पे कुछ लिखा हुआ है जैसे IPT एक्सेल स्कोर, आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें जो लिखावट है उसका क्या होना चाहिए, उसकी क्या डिजाइन होनी चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, टेक्स इफेक्ट क्या होना चाहिए, ये चीज़ें वगैरह आप यूज कर सकते हो। इसकी साइज बढ़ाना है तो होम पे जाके सिंपल टेक्स साइज बढ़ाइएगा तो ये साइज बढ़ जाएगा, और सेव फॉर्मेट में आएंगे तो यहाँ पे टेक्स की इफेक्ट है कि भाई इस तरह का, इस तरह से होना चाहिए ना, दिख रहा है ना कुछ इस तरह के राउंड शेप में, या इस तरह से ये ले सकते हैं आप। उसके बाद इसको तो टेक्स्ट सर टाइप, हम लोग बट इधर उधर मूव कर सकते हैं ना हाँ आराम उसके बाद से। डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं कि भाई इस तरह के में होना चाहिए इस तरह से होना चाहिए, ठीक है ना, ये IBCD और जनता जैसा वैसा होना चाहिए। हाँ टेक्स्ट की अलाइन टॉप मिडल बॉटम, इसमें कोई लिंक क्रिएट करना है हाइपरलिंक, हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। ओके तो ये फॉर्मेटिंग है, सिंपल है, आप खुद भी देख सकते हैं कि लिंक लिंक, जैसे फॉर हाइपरलिंक, एग्जांपल हाइपरलिंक क्लिक कर कैसे, अब जाते हो किसी इमेज पे क्लिक करते हो ओपन हो जाता है, इसी इंटरनेट पे कैसे आप करते हो कि आपने यहाँ पे क्लिक किया, दिख रहा है ना सर, हैंड कनेक्शन बन के आ गया, हाँ इस तरह का हाइपरलिंक लगाना, तो सेलेक्ट करो और यहाँ सेव फॉर्मेट में आओ, यहाँ पे क्रिएट लिंक दिखा, सर और जहाँ लिंक करना है उसको सेलेक्ट करो, उससे इसमें टेक्स्ट नहीं है, तो अच्छा इसमें डेटा नहीं है इस कारण से ऐसा हो रहा है, ठीक है, अच्छा आगे डेटा होगा तो उसे बताऊंगा आपको, लिंक आपको आए क्लास से बताऊंगा, ये है लिंक का टॉपिक, ठीक तो ये सैप समझ में आ गया, अलग अलग सैप्स हैं, ओके और सैप पे क्लिक करके सैप को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि आपने शेयर फॉर्मेट में गए और यहाँ एडिट शेप दिख रहा है सर, और यहाँ पे यस एडिट शेप पे जाए और यहाँ पे अपने हिसाब से इसको और इसको बड़ा कर, ठीक है, हाँ तो शेप्स को अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हो। शेप्स के बाद आइकन्स आते हैं, जैसे वहां पे देखा था आइकन्स, वही आइकन्स है, इंसर्ट कर सकते हो अपने आइकन्स, कटआउट आइकन में लिया था ना वही आइकन्स, उसी चीज का आइकन हाँ चाहिए ऐड कर सकते हैं आप। उसके बाद इसमें अब नए एक्सेल में आया है, नए वर्ड में आया हुआ है 3D, 3D मतलब जो 3D इमेज होते हैं ना, अभी जो इमेज मेरे को तो यस 2D था ना, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन आपको चाहिए यस होगा तो 3 डायमेंशन ले सकते हैं आप। अब बोलेंगे 3 डायमेंशन कैसे ले सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं, जैसे एनिमल पे आते हैं, तो अभी जैसे आप डॉग को देखा ना आपने, तो डॉग का सामने का पोर्शन ही दिख रहा है ना, पीछे का पोर्शन तो नहीं दिख रहा है, नहीं नहीं, लेकिन ये 3D इमेज है, अब 3D इमेज जब इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि पीछे का पोर्शन भी आपको दिखेगा,
आप रोटेट करके देख सकते हैं। ये ग्राफिक्स भी है, मतलब कि ये फोर ए भी है, आप देखेंगे ये ये तो जो ग्राफिक्स है ग्राफिक्स दिख रहा है ऐसा, समझ है यार। हाँ गए। इसको प्ले करेंगे तो ये जेपीजी है, जीआईएफ होता है, ठीक है। जी आई एफ। हाँ ठीक है सर, तो यहाँ इंसर्ट ठीक में आपके सामने एक 3D ऑप्शन। तो अब इसके बाद बात करते हैं स्मार्ट चार्ट कि मान लीजिए आपको किसी का पोर्सेस बनाना है या हेरिकल बनाना है तो स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। अलग है एंगल है, जैसे मान लीजिए मुझे सर्कल दिखाना है, ठीक है ना, किसी पोर्सेस का सर्कल दिखाना है तो यहाँ पे ओके कर लो दीजिए, जैसे चार्ट, मान लो जैसे चार्ट। हाँ फ्लो चार्ट, ठीक है ना। आप यहाँ पे राउंड एंड राउंड चलता है, आप यहाँ पे कर सकते हो कि ऑर्डर पेमेंट, ऐड करना है तो एंटर मार दीजिए, कुछ और प्रोसेस ऐड करना है एंटर मारिए, प्रोसेस ऐड हो जाए, ठीक है। अच्छा तो इस तरह की चीज़ें बना सकते हो, और यहाँ अलग अलग इसके अपने डिजाइंस हैं कि आप कैसे लेना चाहते हो, उस तरह का डिजाइंस बन जाएगा, ठीक है ना, दिख रहा है। यस इसकी कलर है, आप कलर जैसा चाहेंगे वैसा कलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इंसर्ट के अंदर 3D आर्ट, तो ऐसी बाकी आर्ट्स हैं, आप बाकी आर्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हो। ऐड करने के लिए राइट क्लिक करते हैं तो इसी में आ जाता है ऐड शेप, यहाँ पे होगा ना ऐड शेप, इसी में आफ्टर बिफोर बिलो अबव ये सब चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। अब बात करते हैं चार्ट्स। चार्ट एक फ्लो चार्ट अलग हुए, लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास कुछ सेल्स है उसको दिखाना है, जैसे चार्ट पे क्लिक करूंगा आपको सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा चार्ट, जैसे मैंने पाई चार्ट ले लिया एंड ओके किया। हालांकि ये पार्ट एक्सेल का है, एक्सेल में इसको और इधर समझ में आएगा, हालांकि इसमें भी एक्सेल से ही कनेक्टेड है। ऊपर देख रहे एक्सेल आ गया, एक्सेल में यस सर। स्प्रेडशीट आ गया ना। अब यहाँ पे अपना डेटा डाल दो, तो डेटा डालना है अपने हिसाब से, डेटा डाल दो, चार्ट उसी हिसाब से बनता चला जाएगा, ठीक है। ओके और अगर मान लीजिए डेटा ज़्यादा है तो चार्ट को नीचे की तरफ खसका सकते हो, ठीक है। हाँ इस तरह से चार्ट का यूज आप कर सकते हो, और चार्ट के भी अपनी डिजाइन है, दिख रहा है तुम्हें किस तरह का चार्ट चाहिए, बाकी चीजें भी चेंज कर सकते हो। एक्सेल में चार्ट जब पढ़ाऊंगा तो उसमें चार्ट डिटेल में हो। फिर आता है स्क्रीनशॉट, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना, लेकिन ध्यान रखिएगा स्क्रीनशॉट लेंगे तो फर्स्ट विंडो डाउन हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे जितने विंडो खुले हैं सबका स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, जो स्क्रीनशॉट से चल जाइए, अब क्लिक कीजिए खुल हाँ जाए, लेकिन मुझे स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करूंगा तो देखिए, देखा जो जो विंडो एक्टिवेट था वो डाउन हो गया और पीछे के विंडो मुझे दिख गया, और मैं जिसको भी क्लिक करूंगा सिलेक्ट करूंगा उसकी स्क्रीनशॉट कॉपी पेस्ट होके यहाँ आ जाएगी। ओके तो आपको मान लीजिए कि मुझे इसी वर्ड का, मुझे इसी वर्ड का चाहिए था स्क्रीनशॉट, ठीक है, इस पे क्लिक किया, जैसे मान लीजिए इसका चाहिए स्क्रीनशॉट, इसको पहले एक्टिवेट करके फिर हम एक और वर्ड को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। अब जब मैं अच्छा इंसर्ट, यहाँ इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ स्क्रीन शॉट में स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करूंगा तो देखिए वो नीचे हो गया। अब मैं जो हाँ एरिया सेलेक्ट करूंगा वो एरिया मेरा स्क्लिपिंग होके क्लिप होके यहाँ पे आ जाए, ठीक है, ओके सर। समझ गए। तो आज हमने इलस्ट्रेशन का पार्ट कवर कर लिया, इसकी प्रैक्टिस यस कीजिए, बाकी कल जो है बाकी सारी चीज कवर करके मैं इंसर्ट मेनू वाला खत्म कर दूंगा।